राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में स्ट्रेंथ वेटलिफ्टिंग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में कपिल सैनी, विनय, निशांत और नीतीश शामिल हैं, जिनके कोच गोल्डी हैं। कोच गोल्डी के नेतृत्व में सभी खिलाड़ियों को अपने शारीरिक प्रशिक्षण के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसके चलते हरियाणा के नारनौल में प्रदेश स्तरीय खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन पांचों खिलाड़ियों को इनेलो प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक चौधरी नफे सिंह राठी ने बधाई दी और सभी पांचों खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य और सुखद जीवन की कामना की। खिलाड़ी कपिल सैनी का कहना है, हमारे कोच ने हमें समय समय पर इस खेल प्रतियोगिता के बारे में विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया, जिसके लिए हम सभी कोच गोल्डी के ऋणी रहेंगे। शारीरिक प्रशिक्षण के लिए वो चाहे दोपहर हो चाहे शाम हो, जब भी उन्हें मौका मिलता है हमें बुलाकर इसकी ट्रेनिंग देते थे। मैं इस स्वर्ण पदक का श्रेय विशेष रूप से अपने कोच गोल्डी और माता पिता को देता हूँ। हरियाणा स्ट्रेंथ लिफ्टिंग का जीता है 76 किलो के जिम, क्योंकि इसमें मेरे फ्रेंड्स भी है, तो मैंने उनको देखा था, तो मैंने उनको देख के ये गेम स्टार्ट करा था। मैं इसका श्रेय अपने पेरेंट्स को और अपने कोच को देना चाहता हूँ। इस गेम में और आगे की तैयारी चल रही है, अभी स्टेट हुआ तो नेशनल की तैयारी, जो आजकल के युवा नशे की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि नशे को छोड़ के अपने अपने सेहत की तरफ ध्यान दे और गेमों की तरफ। खिलाड़ी कपिल सैनी ने आखिर में युवाओं को संदेश दिया और कहा, युवा वर्ग को नशे से दूर रहकर अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहना चाहिए, जिससे हम देश और खुद के भविष्य को संवार सकते हैं। योगेंद्र सैनी, टोटल न्यूज़, बहादुरगढ़।